सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राहुल खटिक एंड यू आर वाचिंग मिस्टर आर के 401। जैसे टाइटल ऑफ थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि आज के वीडियो में अपने डस्टन गो में सीएनजी इंस्टॉल होने वाली है। ओके, तो उसकी क्या प्रोसेस रहने वाली है, कैसे इंस्टॉल होती है, उसकी वायरिंग ए टू जेड आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और उसमें जो लगने वाली है वो सिक्वेंशियल किट रहने वाली, क्योंकि पहले मेरे को सिक्वेंशियल किट और नॉर्मल किट में क्या अंतर होता है, तो भैया ने बताया था कि जो नॉर्मल किट आती है वो मैनुअल होती है, वो जो अपने कार्बोरेटर जितनी होते थे कि जिसको हाथ से ही सेटिंग करना पड़ता था, वैसी ही होती है सिंपल किट। ओके, और जो सिक्वेंशियल किट होती है वो पूरी इलेक्ट्रॉनिक होती है। ओके, तो उसको लैपटॉप से एडजस्ट करना पड़ता है, उसका पिकअप और माइलेज वो इससे बढ़िया होता है। ओके, जो सिक्वेंशियल नहीं होती उससे बढ़िया होता है, जो सिक्वेंशियल किट आती है वो। आपको थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा होगा और चलेगा, आगे आपको कन्फ्यूजन दूर करा दूंगा। ओके, और ऐसा कुछ रहने वाला है फंडा, और जो अपना सिलेंडर रहने वाला टैंक वो अपना ओल्ड वाला रहने वाला है। ओके, भैया के पास आपको न्यू भी मिल जाएगा, ओल्ड भी मिल जाएगा। ओल्ड बोले तो बहुत ओल्ड भी नहीं, थोड़ा बहुत। ओके, वो समझ लीजिए आप। ओके, और इसकी प्राइसिंग और सब कुछ आपको ए टू जेड आपको वीडियो में पता चल जाएगा, तो मेक श्योर वीडियो में एंड तक बने रहे। तो लेट्स वॉच स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, यही कुछ रहने वाली है अपनी डस्टन की गो कार, और अपना सारा काम जीजे 31 ऑटो गैस सीएनजी में होने वाला है। ओके, अब आपको इसका बूट खोलकर दिखा देते हैं। चलिए, तो इसका बूट ऐसा कुछ रहने वाला है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो स्पेयर व्हील कैसे निकलता है और इंस्टॉलेशन कैसे होती है, वो सब कुछ आपको वीडियो में पता चल जाएगा। मेक श्योर वीडियो में एंड तक बने रहे। और यही कुछ रहने वाली है अपनी टंकी, जैसे कि आप देख सकते हो। और ये कुछ रहने वाला है इसका इंजन कंपार्टमेंट, जैसे कि आप देख सकते हो। जैसे काम स्टार्ट होता है वैसे आपको दिखाता है कैसे होता है और कैसे नहीं। गाइस, अपने देख सकते हो बैटरी खुल गई है, और ऐसा कुछ अपना इंजन कंपार्टमेंट है, और ऐसे कुछ सीएनजी की वायरिंग है जो अपने लगने वाली है। ओके, तो इसका जो मेन सिरा है वो अपने ईसीएम में लगेगा। ओके, और बता दूँ आपको, और ये अपना लगने वाला है जो सीएनजी का इंजेक्टर होगा उसमें। ओके, और ये अपने वाली वायरिंग अपनी पेट्रोल इंजेक्टर में लगने वाली है। ओके, और ये वाली अपनी मैप सेंसर में लगने वाली है। ओके, आगे आ जाइए। और ये अपनी लगने वाली है स्विच वायर। ओके, और ये तीनों वायर अपनी गैस की। ओके ओके, और ये सोलो नाइट। ओके ओके ओके, और कुछ ये सेंसर भी लगेगा अपना। ओके ओके ओके, और नेक्स्ट अरे एशियम इसका जो मेन आता है। अच्छा, ये इसका एशियम रहने वाला है जो मेन है, इंजेक्टर कंट्रोल यूनिट रहने वाली है अपनी, आप देख सकते हो। ओके, और ये वाली अपनी ये लैपटॉप में से कनेक्ट करके इसको सेटिंग करते। अच्छा अच्छा, जो अपने लैप जैसे कि ये इसकी जो लगने वाली यूनिट गैस किट की, उसको हम लैपटॉप से सेटिंग करेंगे। जी सर, बराबर ना। ओके ओके, सही है। सो गाइस, इधर अपना स्टैंड लगना चालू हो चुका है, आप जैसे कि देख सकते हैं। ऐसा कुछ अपना स्टैंड रहेगा जैसे कि आप देख सकते हैं, और अपना स्पेयर व्हील कैसे निकलता है वो सब कुछ आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा, तो मेक श्योर वीडियो में एंड तक बने रहे। सो गाइस, अपनी डस्टन गो में वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, और भैया बताएंगे वायरिंग कैसे हुई कैसे नहीं। तो भैया बताइए, गाड़ी का ईसीएम मेन। ओके, वो रहने वाला अपना ईसीएम, इसका ये वायरिंग आ रहा है इंजेक्टर में। ओके, अपना इंजेक्टर में, इंजेक्टर में। ओके, और फिर इसकी रेल के जो वायरिंग जा रहा है गैस का इंजेक्टर आ रहा है। ओके, ये अपने रहने वाले गैस के इंजेक्टर। ओके, पेट्रोल के वायरिंग दी होगी। ओके ओके, पेट्रोल के इंजेक्टर में भी वायरिंग दे दी हमने। नहीं, गैस की रेल। ओके, रिले बोलते हैं। अच्छा, रिले बोलते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट इसकी ये पाइप लगी है, सप्लाई होता है अंदर इंजन के। ओके ओके, ये जो अपना सिलेंडर के अंदर जा रहा है। ओके ओके, उसके आता है ये टेम्परेचर वायर। ओके ओके, अपना ये टेम्परेचर वायर रहने वाला है। ओके ओके ओके, ये सॉकेट है, ये लैपटॉप में जाएगा, इससे वो वायर कनेक्ट करे ना। ओके ओके, ये जो कपलर अपना बचा हुआ है वो अपना लैपटॉप में लगेगा, क्योंकि जैसे कि ये इस गाड़ी में जो किट लगी है वो अपनी सिक्वेंशियल होने वाली है, और उसकी सारी सेटिंग अपने लैपटॉप से ही होगी। ओके भैया, नेक्स्ट इसके वायर आता है सोने लाइट का बोलते हैं, इसके कटअप होने का ही। अच्छा अच्छा, वो अपना कटअप का है, कटअप चाहिए, वेपोराइजर इसका वो लगा अपना वेपोराइजर, इससे सप्लाई होता है गैस। ओके ओके ओके, इसका ये मैप। ओके, ये अपना मैप सेंसर है, मैप सेंसर है। ओके ओके, इसकी ये पाइप डाली, इसमें से गैस सप्लाई होता है सब।
इसके सप्लाई होती है इधर तक, इसके गैस इधर अंदर आ। ओके, तो आप देख सकते हैं वेपोराइजर से सीधा गैस अपने रेल में आ रहा है, रेल से सीधा गैस अपने इंजेक्टर से होता हुआ सिलेंडर के अंदर जा रहा है। ओके ओके, और नेक्स्ट कोई वायर है भैया? इसके प्लस माइनस वायर आता है इसके। ओके ओके ओके, अर्थिंग वायर है। ओके, अब सब वायरिंग अपनी डन हो चुकी है, डन हो चुकी है। अब जैसे ही अपना ओके अंदर आएगी अपने जो स्विच वायर, जो क्या करेगी या पेट्रोल या फिर सीएनजी पर कार जिसे आपको करनी है वो अपनी स्विच वाली वायर अंदर रहेगी। वो लग चुकी है, वो जैसे ही लगती वो वैसे ही मैं आपको दिखाता हूँ, अपनी सिलेंडर की फिटिंग चालू है। ओके गाइस, तो फाइनली अपना ऑलमोस्ट डन हो चुका है, और जैसे कि ये वॉल्व देख सकते हैं आप, इधर से अपना सीएनजी फिल होगा और इसके नीचे वाली पाइप जो आप देख रहे हैं वो अपनी जाएगी पीछे सिलेंडर में। ओके, और वहीं से सीएनजी इस वॉल्व के थ्रू इधर आएगी। ओके, जो अपना रेडियो सेल लगा है उसमें आएगी। ओके, रेडियो सेल के थ्रू इस पाइप के थ्रू सीधी इसके इंजेक्टरों में आएगी गैस। ओके, और इंजेक्टरों के थ्रू सिलेंडर में जाएगी, और ऐसा इसका पूरा सिस्टम होता है। ओके गाइस, वायरिंग का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अब थोड़ी का आपको वायरिंग सॉरी पाइपलाइन दिखा देते हो कहाँ से गई है और कहाँ से नहीं। ओके गाइस, जैसे कि आप देख सकते इधर से थ्रू जा रही है पाइपलाइन, एक से कंप्लीटली फिटिंग है जैसे कि आप देख सकते हैं। ओके, वहाँ से ऊपर से निकल रही है, तो जैसे कि ऊपर से आपको दिखा गाइस भैया ने इधर होल किया और यहाँ से अपनी पाइप निकल रही है और देख सकते हैं इधर जा रही है। ओके, अब फाइनली गाड़ी को स्टार्ट करने का समय आ गया, तो इसमें गैस फिल कराते हैं और फिर गाड़ी को स्टार्ट कराते हैं। सो गाइस, हम गैस स्टेशन आ चुके हैं और अपने कार में ऑलमोस्ट 700 रुपये जितनी गैस आई है, 10 लीटर गैस जैसे कि आप देख सकते हैं। ओके सो गाइस, सीएनजी फुल करवाने के बाद देख सकते हो भैया ने लैपटॉप लगाया है कार में और लैपटॉप से सेटिंग कर रहे हैं कार की, जैसे कि देख सकते हो आरपीएम, सुई, टेम्परेचर वगैरह वगैरह जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर। ओके, ऐसे कुछ सेटिंग कर रहे हैं भैया, और कार की टॉप स्पीड भी देख सकते हो, सीएनजी पर पलक झपकते हैं 100-120 कार भाग रही है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। काफ़ी अच्छा पिकअप आ गया है कार में जैसे कि आप देख रहे हो। ओके, सो हेलो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि दर्शन गो में सीएनजी इंस्टॉलेशन हो चुकी है, और उसकी प्राइसिंग क्या रहने वाली है, उसके साथ कोई वारंटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो हमारे सारे डाउट क्लियर करेंगे दीपक भाई, क्योंकि जो जीजीकृति शॉप है उनके ओनर रहने वाले हैं ये। तो दीपक भाई, उसके साथ क्या वारंटी मिलेगी और उसकी प्राइसिंग क्या हुई है? अभी ये दर्शन गो में की है, पुरानी टाके हुई। अच्छा, इसमें सब नया डाला है, ये 38,000 की इसकी प्राइस है। ओके ओके, तो अपनी दर्शन गांव में 38,000 रुपये जितना खर्चा आया है सीएनजी इंस्टॉलेशन में। ओके, और उसका जो सिलेंडर रहने वाला है वो ओल्ड वाला रहने वाला है, आप चाहे तो नया भी डलवा सकते हैं, उनके पास ओल्ड भी मिल जाएगा सिलेंडर। ओके गाइस, और उसके साथ कोई वारंटी? हाँ, 1 वर्ष की वारंटी। ओके, 1 ईयर्स की, आपको कुछ भी हो तो आप इनके पास आ सकते हैं, और इनका शॉप एक बार आप ज़रूर से विजिट कीजिएगा। इनका एड्रेस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इधर इनका फ़ोन नंबर भी पॉपअप हो रहा होगा, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। ओके, दीपक को एक बार अपना एड्रेस बता दीजिए। या मोड़ासा जीजे 31 अक्षर कॉम्प्लेक्स में हमारी दुकान है, जीजे 31। ओके ओके ओके, जीजे 31 अक्षर कॉम्प्लेक्स में इनकी शॉप है, सीएनजी से रिलेटिव A to Z काम यहाँ पे होता है। ओके, तो एक बार आप इधर ज़रूर आइएगा और विजिट कीजिएगा। ओके, क्या आज की वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह के और नए वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूँ अगले नए किसी वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।